साथ डॉक्टर सुमित कुमार महाराज भी जुड़ चुके हैं, जो नोडल अधिकारी भी हैं। डॉक्टर सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। डॉक्टर सुमित, जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर पूरे दुनिया में चेतावनी जारी की गई थी, अलर्ट जारी किया गया था कि ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे बच के रहना है, ऐसे में अब भारत में 155 मामले सामने आ चुके हैं, तो किस तरह से इसे समझा जाए, कितना खतरनाक ये हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, इस बीमारी में इन्फेक्टिविटी ज़्यादा पाई जा रही है, और अगर हम सारे सुरक्षा के उपायों जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की हैं, अगर उनका पालन नहीं करते हैं तो आने वाले समय में स्थिति भयावह हो सकती है। और इससे बचने के लिए जो भी गवर्नमेंट हमें निर्देश दे रही है, चाहे वो हैंड हाइजीन के हो, रेस्पिरेटरी हाइजीन के हो, दूरी बना के रखने के लिए जो पुरानी गाइडलाइंस कोविड की चली आ रही हैं उनका पालन करना होगा, भीड़ वाली जगहों से हमें बचना होगा, बाहर ट्रैवल करना रोकना होगा। आजकल छुट्टियां मनाने सब लोग चले जा रहे हैं, और जो भी बाहर से लौट रहे हैं ज्यादातर केस वही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जी। तो इन सारे बचाव के सारे जो उपाय जो गवर्नमेंट ने पहले से गाइडलाइंस बना के रखी हुई उनका पालन करना होगा, और खुद से हमको अपने आप को एक तरह से सेल्फ लॉकडाउन वाली स्थिति, बहुत ज्यादा जहाँ जरूरत है वहीं जाएं, उसके अलावा अन्यथा बेमतलब का कहीं भीड़ में न जाएं, इधर उधर न घूमें। बिल्कुल डॉक्टर सुमित, अब देखिए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का भी एक बयान सामने आया है, उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर ये कहा है कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे आने वाले दिनों में, और बार बार देखिए लगातार ये भी कहा जा रहा है कि फरवरी में तीसरी लहर भी आ सकती है, तो किस तरह से लोग इसको समझे? देखिए, तीसरी लहर की संभावना तो बनने लगी है, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों में देख लीजिए, पिछले 7-8 दिनों में नंबर ऑफ ओमिक्रॉन केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं जी। जहां शुरुआत में 2 मिले थे, लेकिन अब 155 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है, और पहले 2-3 राज्यों में थे, अब 7-8 राज्य उसमें इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं जी। तो इसकी इन्फेक्टिविटी अभी तक जो भी स्टडीज सामने आई है उसके हिसाब से इसकी इन्फेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है। हाँ, अभी तक जो डाटा है उसके हिसाब से माइल्ड फॉर्म में है जी, बहुत ही सीवियर डिजीज इससे नहीं हो रहा है किसी को, लेकिन बिल्कुल डॉक्टर, देखिए जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि माइल्ड फॉर्म में है, इसीलिए शायद इसको हल्के में लोग ले रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं, इसीलिए लोग इसको हल्के में ले, लेकिन बहुत हल्के में लेने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इसके डाटा बहुत लिमिटेड है। 26 नवंबर को ही अभी पूरी तरह से रिपोर्ट हुआ है, अभी इसे रिपोर्ट हुए 1 महीने भी नहीं हुए हैं। इसके बारे में अभी किसी भी कंट्री से, क्योंकि साउथ अफ्रीका से पहले रिपोर्ट किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा डाटा इस बीमारी से, इस वेरिएंट के संबंध में भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और जब डाटा ही नहीं अवेलेबल है तो उस पर बहुत श्योरिटी के साथ किसी के लिए भी बोल पाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए अभी हमें बचाव करने की ज़रूरत है, और जब तक हम बचाव नहीं करेंगे ये कितना खतरनाक साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शुरुआत में भी जब डेल्टा वेरिएंट आया था शुरुआत में लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जब उसकी भयावहता सामने आई तब लोगों की समझ में आया, तब उसके बाद लोग अपने आप अपने को पैक करना शुरू किए। तो इसलिए इस बार हमें शुरू से ही अलर्ट मोड पर रहना होगा जिससे कि ये भयावह स्थिति पैदा ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश में क्या होती है कि थोड़ी भी कोई दिक्कत होती है तो हम तुरंत पैनिक में आ जाते हैं जी। और पैनिक की वजह से एक्स्ट्रा डिमांड लोगों की हो जाती है, तो उससे हमें बचना होगा। पहले से ही अलर्ट मोड में रहें, बचाव के सारे संसाधन का उपयोग करें जिससे कि भयावह स्थिति आए ही ना। बिल्कुल डॉक्टर सुमित, और यहाँ पर देखिए हम इंडिया में देख रहे हैं कि बच्चे भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे हैं, 1-2 बच्चे संक्रमित भी हुए हैं महाराष्ट्र में, तो बच्चों के लिए कितना खतरा इसका हो सकता है? देखिए, बच्चे वैक्सीनेटेड हैं नहीं जी, और ये जो वेरिएंट है इसने पिछले वेरिएंट से अपने स्ट्रक्चर में करीब ऑलमोस्ट 30 चेंजेस किए हैं, तो इसके स्पाइक प्रोटीन में इतने चेंजेस आ चुके हैं कि जो वैक्सीनेटेड पीपल से, जैसे हम सारे वैक्सीनेटेड हैं लेकिन फिर भी हमें भी होने की संभावना है। इसके अलावा जिनको पहले भी कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है उनके री इन्फेक्शन होने की संभावना भी इस वेरिएंट से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चे तो अनवैक्सीनेटेड हैं, ठीक है छोटे बच्चों को एक प्रोटेक्शन मिलता है उनके इम्यून सिस्टम की वजह से, लेकिन जो बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनके में कोई इम्यूनिटी सिस्टम इसके लिए अभी डेवलप नहीं हुई है, इस वजह से उनको बचाव की पूरी ज़रूरत है, और पेरेंट्स को भी बच्चों का ख्याल रखना होगा और स्कूल्स को भी, क्योंकि स्कूल्स भी ओपन है, स्कूल्स बहुत लंबे समय तक हम बंद नहीं रख सकते, तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी लेकिन इसके बचाव के उपाय साथ साथ चलाने पड़ेंगे। बिल्कुल डॉक्टर सुमित, यहाँ पर देखिए हम अगर डेल्टा वेरिएंट की बात की जाए सेकंड वेव की, तो लोगों में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। अगर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो क्या अभी तक ये पता चल पाया है कि ओमिक्रॉन सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर इफेक्ट करेगा और किस चीज़ की बॉडी में कमी हो सकती है?
अभी सब कुछ अंडर ट्रायल ही है। ओमिक्रॉन का अभी तक जो ओमिक्रॉन के बारे में बताया जा रहा है कि वो लंग्स में इफेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक जितने भी पेशेंट हुए हैं किसी में बहुत ज़्यादा SpO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है। तो इसलिए फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इन्फेक्टिविटी है, एक से दूसरे को बढ़ने की संभावना ज़्यादा है बाकी वेरियंट के मुकाबले। इसके इन्फेक्शन दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी इसमें ज़्यादा दिख रही है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सीवियरिटी के बारे में फ्यूचर बताएगा, जब तक कि केसेस, नंबर ऑफ केसेस और डाटा ना आ जाए सारा, तब तक बता पाना बहुत संभव नहीं होगा कि कितना सीवियर हो गई। बिल्कुल डॉक्टर सुमित, और देखिए इन दिनों एक बात को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, वो है बूस्टर डोज। तो क्या ओमिक्रॉन से बचने के लिए बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी? बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है, बूस्टर डोज की जरूरत काफी समय से हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी में महसूस किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो भी डाटा वैक्सीन का है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देने वाला कोई डाटा हमारे पास है नहीं, क्योंकि वैक्सीन भी अभी ऑलमोस्ट ईयर बैक ही अभी मार्केट में भी आई है। तो इसलिए बूस्टर डोज की आवश्यकता मेरे हिसाब से पड़ेगी, और बूस्टर डोज फ्रंटलाइन वॉरियर्स को तो जरूर ही दे देना चाहिए थर्ड वेव के संभावनाओं को देखते हुए। चलिए ठीक है डॉक्टर सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए।